हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं करने वाली हूँ अपना हेयर कट। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मतलब हेयर कट करने वाली हूँ और आप लोगों ने बहुत अच्छा सजेशन भी दिया बहुत सारा मुझे, तो सबका सजेशन मिला जुला के मेरे को जो पसंद आया है वो हेयर कट करने वाली हूँ। फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और भरपूर लाइक कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आ पाऊँ। मेरे चैनल पर आपको मिलेगी ब्यूटी पार्लर को से रिलेटेड और वीडियो, जैसे कि हेयर केयर टिप्स, स्किन केयर टिप्स, हेयर कट और ब्यूटी पार्लर कोर्स में जो जो चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें फुल डिटेल में पूरी बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल और वीडियोज आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सेकंड चैनल पर सिलाई से रिलेटेड और वीडियो जाती रहती है तो वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीति24 है तो वहाँ पे मेरी रील्स वीडियो आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे भी जरूर जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि अभी रात के 10 बज रहे हैं और मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी हेयर कट करके उन लोगों के पास जाऊँगी, क्योंकि कल उन लोगों को स्कूल भी भेजना है, बाल नीचे से डैमेज हो रहे हैं तो कट करना भी ज़रूरी है। और ये मैंने, मेरा स्प्रे बोतल ख़राब हो गया था, ये मैंने गुलाब जल का स्प्रे लिया है, तो उसके जो पाइप है उसमें गुलाब जल है, तो पहले मैं उसको फिर से लगा लेती हूँ। आप भी रात में इस तरीके से गुलाब जल फेस पे लगा के सोते हो तो आपका जो ग्लो है, ब्यूटी है, वो वैसी की वैसी बनी रहेगी और स्किन पे डेड स्किन नहीं आने देगी। तो आप अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये वाला ट्रिक अप्लाई कीजिए। अगर ड्राई है तो आप विटामिन ए की कैप्सूल को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके रात में लगाइए, अमेजिंग का ग्लो आएगा एंड सारे डार्क स्पॉट बाय बाय हो जाएंगे। ओके, तो चलिए ये तो हो गया टिप्स, लेकिन करना है हमको हेयर कट, तो बालों पर स्प्रे करूँगी, अच्छे से गीला करेंगे। बालों को गीला किए बिना बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गीले बालों में आपकी जो कटिंग होती है वो बहुत अच्छे से आती है और सूखे बालों में अच्छे से समझ में नहीं आती है। जब वो गीले करोगे तो वो ऊपर नीचे दिखेंगे एंड गीले बालों में अगर प्रॉपर कट आएगा तो वो सूखने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये जो वाटर स्प्रे वाली बॉटल होती है उसका ये बहुत इजी होता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, बट ये गुलाब जल वाला है जिसकी वजह से मुझे मेरे फिंगर्स में दर्द हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं, इस टाइम इस रात में तो मैं जा नहीं सकती, अभी वो टूट गया। तो अच्छे से मैं गीला कर रही हूँ बालों को, जो अपना हेयर खुद से कट करना चाहते हैं, पार्लर में बहुत सारा पैसे नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा चैनल सेल्फ लोग जो सेल्फ खुद करना चाहते हैं सब कुछ, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेरा चैनल एंड वीडियो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब बालों को कॉम करेंगे, इधर कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती हूँ, काफ़ी लॉन्ग टाइम से लेयर वगैरह कट कर रही हूँ मैं। तो दिल थाम के बैठिए गाइस, अभी मेरे बाल कटने वाले हैं। अभी मैं करूँगी सेंटर पार्टीशन, बालों को करूँगी अच्छे से कॉम एंड ईयर के पीछे बालों को लेके जाऊंगी कुछ इस तरीके से। एंड बालों को पूरा पीछे तक टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। इस तरीके से कॉम करेंगे, ओके। बालों को लाएंगे बिल्कुल सेंटर में और यहां पे लगाएंगे
एक रबर बैंड। ओके, दूसरी साइड भी इसी तरीके से आपको रबर बैंड लगाना है, बिल्कुल नाप तौल के, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये हमारी जो हड्डी है यहाँ तक रबड़ को खींच के लाएंगे दोनों साइड से। तो मैंने अभी थोड़ा सा रबर बैंड को टाइट लगा दिया था, बट आपने, आप अगर कट कर रहे हो थोड़ा सा लूज रखिएगा। ओके, नहीं होता तो इस तरीके से कॉम की मदद से थोड़ा नीचे को लेके आएंगे। तो एक बार जल्दीबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से कट करना है। तो रबर बैंड बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा लूज कर लूँगी, क्योंकि बाल हमारे बहुत कीमती हैं एंड हमारे बाल जो हैं बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो मैंने इसको दोबारा से खोल दिया है और एक बार और रबर बैंड को लगाऊंगी और रबर बैंड के ऊपर से हेयर को कट करेंगे। तो इधर का तो हमारा लग गया, बट इधर का हमारा अच्छे से नहीं लगा है। तो रबर बैंड को दोबारा से निकाल ले रही हूँ एंड दोबारा से लगाएंगे रबर बैंड को। ओके, जितने भी डैमेज हेयर हुए हैं इस तरीके से कट करेंगे तो निकल जाएंगे वो। ये अभी देखने में ही लंबे लग रहे हैं, बट ये जब सूखेगा बाल हमारा तो ऊपर को जाएगा। ओके, तो जितना आपको लेंथ कट करना है, अभी कट होगा ये तो सिर्फ अभी गाइडलाइन मिल रही है, अभी और ज़्यादा कट होगा बाल तो इतना मत सोचिएगा कि इतने पे ही रोक दिया। तो फाइनल लुक देखने के लिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं यहाँ पे कट करूँगी तो ये यहाँ तक जाएगा। ओके, तो इस तरीके से पकड़ा है एंड रबर बैंड को नापेंगे कि बिल्कुल बराबर में है या नहीं। तो ये थोड़ा सा ऊंचा लग रहा है मुझे, अभी देखो बिल्कुल बराबर में आ गया है हमारा रबर बैंड सेंटर में एकदम। और इसके ऊपर से हेयर को कट करेंगे रबर बैंड के जस्ट ऊपर से। ओह माय गॉड, 4-5 इंच तक लेंथ हमारी गई। देन जस्ट इसके ऊपर से भी इस तरीके से कट करेंगे। ओके, तो इतनी इतनी लेंथ हमने अभी कट की है और इसको कॉम करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं लेयर कट कर रही हूँ तो बाल थोड़े से अजीब हो गए हैं। तो मैंने सोचा एक बार कुछ अलग ट्राई किया जाए। तो बालों की ईयर टू ईयर पार्टीशन करेंगे और सारे बालों को बैक साइड में लेते जाएंगे। और एक रबर बैंड लगाएंगे बैक में। बालों को काटने से बाल हेल्दी बने रहते हैं, तो बालों को टाइम टाइम पे ट्रिम करते रहना चाहिए। नहीं काटना तो ट्रिम तो करते रहो। अब अगेन कॉम करेंगे
और एक रबर बैंड और लगाएंगे नीचे की तरफ। चैंती को सरका के ले जाइए, अगर रबर बैंड नहीं लगाना है तो। तो ये जो ऊपर नीचे लग रहे हैं इसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, और अभी खोल के बालों को चेक करेंगे पीछे की तरफ। और फिर से फ्रंट में लेके आएंगे सेंटर से पार्टीशन करके। फ्रंट में तो बिल्कुल बराबर है, बट एक बार फिर से चेक कर लेंगे। दोनों साइड से बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे और चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल ही बराबर लग रहे हैं, बिल्कुल ही थोड़ा भी ऊपर नीचे मुझे नहीं लग रहा है। जो हल्का फुल्का लग रहा है वो कट कर देते हैं। अब देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। एंड बैक से देख लो, बारी आती है फ्रंट के बालों पे काम करने की। तो फ्रंट में तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो फ्रंट के हेयर मेरे शॉर्ट ही हैं, ज्यादा लंबे नहीं हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा कट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्रिम करना जरूरी होता है। पहले आप यहाँ से बिल्कुल बराबर करके बैक में लेके जाओ बालों को, ताकि दोनों साइड से जो ऊपर का हिस्सा है वो बिल्कुल बराबर रहे। और बैक में एक रबर बैंड या क्लस्टर लगा दो, ताकि फ्रंट के जो हेयर हैं वो अच्छे से कट हो पाए। मुझे बस इतना इतना कट करना है, तो मैं इतना ही ले रही हूँ। साइड के वालों को छोड़ देंगे, इधर से भी इतना ही लेंगे और साइड के वालों को छोड़ देंगे। अब इसको अच्छे से कॉम करेंगे, देन जितनी लेंथ आपको रखनी है उतना रखेंगे और यहाँ से कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा कट कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, बस मुझे दो मुँहे बाल निकालने थे अपने। ओके, तो ये निकल गए। एंड हेयर कट कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वाह, साइड पार्टीशन से कुछ इस तरीके का लुक आएगा।
मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड हेयर कट फ्रंट से तो काफ़ी प्यारा लग रहा है, एंड बैक से मैं आपको दिखा देती हूँ। बैक से कुछ इस तरीके का लग रहा है और बाल भी काफ़ी अच्छे से हेल्दी से लग रहे हैं। से लगाओगे तो कुछ इस तरीके का लुक आएगा। इतने छोटे बालों पे आप स्ट्रेट करके कुछ भी कोई भी ड्रेस डालो तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आएगा, देखिए क्या आता है, दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए कुछ बढ़िया सा वीडियो आएगा, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाय बाय।